क्या ये सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी, मतलब ये इतना एब्सर्ड चार्ज है, और जानबूझ के एक ही चार्जशीट में सबको इसलिए लाया गया है कि ट्रायल जो है 10, 20, 50 साल तक चलता है। मुझे तो लगता है अगर मैं जज होता तो मैं तो सीधा कहता कि मैं तो इस चार्जशीट को इसी आधार पर खारिज करता हूं कि आपने 5 लाख पेज के एक चार्जशीट में इतने सारे लोगों को कर दिया। जब तक ये नहीं होगा, जब तक कुछ पुलिस अफसर इसमें इनका प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन और पनिशमेंट नहीं होता इस तरह के मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस में, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा आसान है। दिल्ली राइट्स वाले केस में या जो भीमा कोरेगांव वाले केस में भी जो हो रहा है, और जो बहुत सारे केसेस में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल झूठे चार्ज लगा दिए जाते हैं, और इस केस में, दिल्ली राइट्स वाले केस में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है कि एक कहते हैं कई लाख पेज की चार्जशीट फाइल करी है, और उसमें सब लोगों को एक ही चार्जशीट में चार्ज कर दिया है, और इतने सारे सेक्शंस लगा दिए हैं जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकॉयटी, मिस्चिफ बाय फायर, हाउस ट्रेसपास, राइटिंग, सेडिशन, सब कुछ लगा दिया है। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों के खिलाफ क्या ये सारे लोग इन सब ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे? क्या ये सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी, मतलब ये इतना एब्सर्ड चार्ज है, और जानबूझ के एक ही चार्जशीट में सबको इसलिए लाया गया है कि ट्रायल जो है 10, 20, 50 साल तक चलता रहे, ट्रायल कभी खत्म ही ना हो, और जिसको अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कई बार कि प्रोसेस हैज बिकम द पनिशमेंट, यानी कि ये जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, चार्जशीट करने का, ट्रायल करने का, यही पनिशमेंट हो गया है। अब आपको ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि कोई जना कसूरवार है, क्योंकि ये तो करीब करीब सारे केस में फेल हो जाता है। हम देख रहे हैं कि लोग एक्विट होते जा रहे हैं, लेकिन 20-20 साल बाद, 25-25 साल बाद, और उस दौरान 20-25 साल तक आपने उसकी जिंदगी तो तबाह कर दी। बहुत साल तक तो आपने जेल में रखा, बार 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 उसको कोर्ट में आना पड़ा ट्रायल फेस करने के लिए, और इस तरह की चार्जशीट ऐसी बेहूदी। मुझे तो लगता है अगर मैं जज होता तो मैं तो सीधा कहता कि मैं तो इस चार्जशीट को इसी आधार पर खारिज करता हूं कि आपने 5 लाख पेज की एक चार्जशीट में इतने सारे लोगों को कर दिया। अरे हर एक जने के खिलाफ अलग अलग चार्जशीट होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने क्या किया, इसने क्या किया, पर आपने एक ही चार्जशीट में, जिससे कि ट्रायल ही चलती रहे, कभी खत्म ही ना हो, कोई जज देख ही ना पाए, बेल के लिए भी ना देख पाए कि भाई इस जने के खिलाफ चार्ज क्या लगाया है। 5 लाख पेज पढ़ने में तो आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। तो एकदम बिल्कुल मैलाफाइडी, और इसीलिए मैं कहता हूं अब यह समय आ गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स इस तरह का झूठा इन्वेस्टिगेशन, झूठे चार्जेस और इस तरह की ऑमनिबस चार्जशीट फाइल करते हैं, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन।
जब तक ये नहीं होगा, जब तक कुछ पुलिस अफसर इसमें इनका प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन और पनिशमेंट नहीं होता इस तरह के मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस में, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, ये कहते रहो कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कई कई साल, 10-10 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलाओ, फिर 5 लाख पेज की चार्जशीट फाइल कर दो, बोलो कि अब तो 50 साल ट्रायल चलेगी, और उसमें UAPA वगैरह का चार्ज लगा दो जिससे बेल ही ना मिल पाए। इसीलिए वो जो सफूरा के केस में जिस जज ने बोला, ये तो एब्सर्ड है, UAPA तो टेररिस्ट ऑफेंसेस के लिए बनाया था, असल में उसमें एक सेक्शन सेडिशन की तरह है जिसमें लिखा है कि क्रिएटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट इज सेडिशन, इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी। अब डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट यानी कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, UAPA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से आप स्टेट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन तो कर ही रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में बोला है कि इसको सेडिशन को हम स्टे कर रहे हैं, अब सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया जाएगा, और जितने चार्जेस पेंडिंग हैं उसमें तुरंत आप लोग बेल के लिए या डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए सारे कोर्ट्स को ये कहना चाहिए कि UAPA का चार्ज इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता जो सफूरा के केस में जज ने बोला। सही बोला बिल्कुल, UAPA का चार्ज आप नहीं लगा सकते, और UAPA का चार्ज अगर आप हटा दें तो सबको फट से बेल मिल जाएगी, क्योंकि बेल के प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन बेल के बियॉन्ड जाता है, अगर आप इस तरह का मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक ऑमनिबस चार्जशीट फाइल करके, जिसमें आपने 5 लाख पेज की चार्जशीट बना दी है 100 लोगों के 200 लोगों के खिलाफ, एक ऑमनिबस चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैलाफाइडी है। इसको इसी आधार पर सिर्फ खारिज ही नहीं करना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स को दंडित करना चाहिए कि आप बिल्कुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। इसलिए अब ये समय आ गया है कि हमको पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ उनको परस्यू करना पड़ेगा झूठे चार्जेस वगैरह के लिए, तभी जाकर ये सब बंद होगा। नहीं तो इन लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, हम तो सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, हमको प्रमोशन मिलता रहेगा, कितना भी झूठा चार्ज बना दो, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप इतने सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, आपके खिलाफ तो बिल्कुल होना चाहिए। तो इसलिए मेरी राय में, एक तो खैर सबको, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक जरूर क्यों ना लगा दी हो, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट सबको ये कहना चाहिए कि UAPA का चार्ज आप इस आधार पर नहीं लगा सकते, और दूसरी बात ये कहनी चाहिए कि ये चार्जशीट ही बिल्कुल बोगस है, इस तरह की ऑमनिबस चार्जशीट बोगस है। तो ये मैं समझता हूँ, मैं सबका दर्द समझता हूँ कि क्या हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है इन सब केसेस में सब लोगों के साथ, लेकिन हम लोगों को इसको अब क्रिएटिवली, सिर्फ हौसला ही नहीं, क्रिएटिवली लड़ना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें हमको कहनी पड़ेगी। यही मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।